वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिसिंग पुणे महाराष्ट्र सिंस मोर देन 13 इयर्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने डेंटल फिलिंग कराई है और उसके बाद आपको दर्द होता है तो उसका क्या रीज़न होता है एंड उसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट। डेंटल फिलिंग कॉमन प्रोसीजर है, आजकल मोस्टली लोग डेंटल फिलिंग्स कराते रहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फिलिंग क्यों करते हैं। तो अगर आपके दांतों में कैविटी है, होल हो गया दांतों में, एंड आपको डेंटिस्ट बताते हैं कि आपके दांतों की जो कैविटी है वो मॉडरेट अमाउंट की कैविटी, यानी कि नर्व्स तक नहीं पहुँची, नसों तक नहीं गई है, तो उस केस में हम लोग डेंटल फिलिंग्स करते हैं। लेकिन कभी कभी पेशेंट को फिलिंग कराने के बाद उसके बाद पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आइए जानते हैं उसका क्या मेन रीज़न होता है, क्यों ऐसा होता है। उसके जो मेन रीज़न होता है कि अगर आपके डेंटल फिलिंग कराई हो आपने एंड इमिडिएटली आपको पेन महसूस हुआ हो, कुछ या एक दो घंटे के बाद आपको महसूस हो रहा है कि आपके दांतों में हल्का पेन हो रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि फिलिंग के बाद थोड़ा सा फीलिंग एक्स्ट्रा हो जाती है, यानी कि जैसे ही आप बाइट करते हो तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, तो उस टाइम में पेशेंट को पेन हो सकता है, हल्का पेन होगा। इस टाइप को जो पेन होती है कोई सीवियर पेन नहीं होता, लेकिन आपको महसूस होता है कि समथिंग कुछ अनकंफर्टेबल है, कुछ हल्का पेन प्रेस करने पर दर्द हो रहा है, तो उसका मतलब है कि फीलिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा है एंड उस केस में आपको डेंटिस्ट के पास जाना है एंड डेंटिस्ट उस फीलिंग को जो एक्स्ट्रा पोर्शन होती है फीलिंग की उसको रिमूव करके वो आपका पेन चला जाएगा। जो रीज़न होता है, कुछ केस में क्या होता है, पेशेंट को बहुत पेन होता है, इतना सीवियर पेन होता है कि उसको मेडिसिन लेनी पड़ती है, नाइट टाइम में पेन होता है, तो ऐसा क्यों होता है। इसका जो मेन रीज़न है वो इसलिए होता है कि आपकी जो फीलिंग थी वो बहुत डीप थी, यानी कि नर्व के पास थी। हो सकता है आपके डेंटिस्ट ने आपको बताया हो कि आपकी जो फीलिंग है ये ऑलमोस्ट नर्व तक पहुँच रही है और अगर आपको पेन होगा तो रूट कैनाल कराना पड़ेगा। अगर कोई फीलिंग बहुत डीप है तो उस केस में पेशेंट को पेन होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अपने डेंटिस्ट को विजिट करा के तुरंत वो फीलिंग रिमूव कराना है। जैसे ही वो फीलिंग हम रिमूव कर देते हैं पेशेंट का पेन एकदम से ख़त्म हो जाता है, बट इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपको आगे ट्रीटमेंट नहीं कराना। मोस्टली ऐसे केसेस में रूट कैनाल ही होता है, रूट कैनाल कराना पड़ता है, क्योंकि ऐसे डीप जो फीलिंग्स होती है और उसमें पेशेंट को उसके बाद पेन हो, या कभी कभी पेशेंट को ऐसा होता है कि फीलिंग उन्होंने बहुत साल पहले कराई और अब उनको पेन हो रहा है, तो उस केस में भी रूट कैनाल कराना पड़ सकता है। तो ये एक्सरे से कंफर्म होता है एंड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपने अगर फीलिंग कराई और उसके बाद आपको पेन हो रहा है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। तो इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।